बस में भीषण आग लग गई और आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बस में आग लगने की लाइव तस्वीरें आई हैं। खतरे में अब 35 जिंदगी पड़ गई थी। बस से कूदकर यात्रियों ने जान बचाई है और कल यात्री बस में आग लगी थी। सीसीटीवी में अफरा तफरी का वीडियो भी कैद हुआ है। एसी की पाइप फटने के कारण आग लगी थी और आप देखिए ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, कैसे जो आग का तांडव इस भीषण गर्मी में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 35 लोग सवार थे, 35 जिंदगियां किसी तरह बची हैं। बस से कूदकर यात्रियों ने जान बचाई है और कल ही यात्री बस में आग लगी थी। ये दो तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल, एक तरफ जहां एसी की पाइप फटने की वजह से आग लगी। और आग लगते ही आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आप देखिए बस जलकर राख हो चुकी है। खबर जशपुर से है जहां मवेशी तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। झारखंड ले जा रहे 16 मवेशियों को छुड़ा लिया गया है। जंगल के रास्ते ले जा रहे थे झारखंड, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागबहार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बागबहार थाना क्षेत्र में कुछ लोग जानवरों को वहां से अकाल के ले जा रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस की एक टीम भेजी गई और वहां पर दो आरोपी जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे उनके पास से 16 नग पशु बैल बरामद किया गया। उनसे संबंधित दस्तावेज मांगा गया, उनके पास किस प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं था। उन्हें थाने में लेकर आया गया और उनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है और हमारे जिले में जो ये अभियान चल रहा है लगातार ये अभियान जारी रहेगा। जगदलपुर से खबर जहां अवैध खाद भंडारण पर कृषि विभाग ने छापेमारी की है और महाराष्ट्र से लाकर खपाने की कोशिश थी। घर में रखे खाद को विभाग ने जब्त किया है और अवैध परिवहन कर खाद लाया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर जिले के भानपुरी का यह मामला बताया जा रहा है। पूर्व में भी एक सूचना मिली थी कि अवैध रूप से जगह जगह मतलब भंडारण करके बेचा जा रहा है खाद, लेकिन उस समय हम लोग वाहन को ट्रैक नहीं कर पाए थे। हमने मैदानी अधिकारियों को विशेष निर्देशित किया था कि तो जहाँ कहीं पर भी ऐसा रहता है तो वाहन को ट्रैक करके हमको तुरंत तत्काल सूचना के। आज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरपी शुक्ला के द्वारा हमको 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसमें हमने तत्काल लाकर उनको गाड़ी को ट्रैक करके यहाँ पर पुलिस के सपोर्ट में हमने कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे और लगभग कितना जब्त किए? ये बाकेल ग्राम में कुछ पिकअप में रखे हुए थे सामान, जिसमें 10-12 बैग कुछ वितरण कर चुके थे। जब मौके पर पहुंचे तो 12 से 20 बैग के आसपास वहां पर भंडारित था वाहन में और उनके ही निशानदेही पे 86 बैग प्रोम नामक खाद जो पूजा कंपनी का है उसका यहाँ पर अवैध रूप से भंडारण पाया गया है। इस पे